हेलो गाइस, दिस इज़ भावना शर्मा और आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हो और आप देख रहे हैं मुझे मेरे सेल 371 चैनल पे। तो बने रहें मेरे साथ। आज हम बात करेंगे आपके विटामिन B5 की। विटामिन B5 को साइंटिफिक नेम क्या है इसका? अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है पेंटाथोनिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो हर किसी से विटामिन के बारे में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो इसीलिए इसको एंड तक देखें, एंड तक देखोगे तभी आपको पूरे अच्छे से डीपली नॉलेज हो पाएगी डिटेल में। और आप बीच में ही अगर वीडियो को देख के चले जाते तो उससे आपको ही नुकसान होता है, ठीक है, क्योंकि आपको चीज़ें फिर समझ में भी नहीं आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये B5 है, देखो ये वाला हमने B1 B2 B3 इसको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? हम B5 को डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 6 है। और मेरे जो लास्ट वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप इजीली देख लोगे, सारे वीडियोस डले हुए हैं। तो हम ये देखते हैं पेंटाथोनिक एसिड क्या होता है। पेंटाथोनिक एसिड, ये B5 है, इसका साइंटिफिक नेम है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। ये B5 का क्या है? केमिकल फॉर्मूला। इट मीन्स मैंने कहा था ना, जो भी आपके विटामिन होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब होता है? जिन भी विटामिन के अंदर कार्बन हो, कोई भी चीज़ हो, विटामिन ही नहीं कोई भी चीज़ हो, अगर किसी के अंदर वो कार्बन प्रेजेंटेड हो, इट मीन्स वो कैसी है? वो ऑर्गेनिक है, कार्बनिक, ठीक है। हिंदी में ऑर्गेनिक को क्या कहते हैं? कार्बनिक है। तो इसीलिए इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से वो हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। किन किन चीज़ों से मिलकर आपके विटामिन B5 बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, इट मीन्स कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 9, हाइड्रोजन के 17 और N के कितने हैं? 1 और O के कितने हैं? 5, O मीन्स ऑक्सीजन। समझ गए ना? तो ये थे इसके केमिकल फॉर्मूला। अब इसकी बात देखते हैं। यहाँ पे अब हम ये देखेंगे B5 की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, इसके गुण क्या क्या हैं और इसके सोर्स ये हमें मतलब कहाँ से प्राप्त होती है। डेफिशिएंसी डिसीज देखेंगे कि इससे कौन कौन सी डिसीज हो जाती हैं। 4 देखेंगे टॉक्सिसिटी, इसकी मात्रा ज़्यादा होने पे हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को देखेंगे। अब देखो इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये क्या करती है? हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देती है। समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले है? जब कभी भी हमारी बॉडी में पाचन होता है प्रोटीन का तो कौन मदद करता है आपका? B5 मदद करता है। समझ गए ना? क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में आपने देखा होगा चेंज हो जाती है ना, प्रोटीन कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ है? विटामिन B5 की प्रेजेंस में। तो समझ गए, ये जो B5 है, ये B5 आपके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती है हमारी बॉडी में। और ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करके रखती है आपकी ब्लड वेशल्स में, ताकि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो सही रह सके। जब इसकी कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में क्या होता है कि ये यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट कर देता है। देखो ये क्या है? ब्लड वेसल है, समझ गए ना? ये ब्लड वेसल जहाँ से खून बहरा होता है, उन नलियों को हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। तो इनमें कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू कर देता है। अगर विटामिन B5 नहीं है आपकी बॉडी में तो कोलेस्ट्रॉल आपकी जो रक्त की नलियाँ हैं उनमें बहना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए आपको विटामिन B एवरीडे लाइफ में लेनी चाहिए। कौन कौन से स्रोतों से हमें ये मिलती है? और अरिथ्रेसिस जो आपकी बीमारी होती है, घुटनों में जो दर्द होता है, घुटनों में दर्द किसकी वजह से होता है? जब विटामिन B5 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसीलिए ये आपकी अर्थ्रेसिस जो आपकी बॉडी में डिसीज होती है, बीमारी होती है, उसको रोकने का काम करती है। और ये आपकी बॉडी में जैसे बच्चे की जो ग्रोथ है उसको भी मेंटेन करके रखती है। आपके हेयर हैं, आपके हेयर कभी देखा होगा ब्राउन हो जाते हैं, किसकी वजह से ब्राउन हो जाते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन B5 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये आपके जो हेयर होते हैं, हेयर को गिरने नहीं देती है, बाल झड़ते नहीं है विटामिन B5 की वजह से, और आपके जो हेयर हैं वो भी ब्राउन नहीं हो पाते हैं इस कंडीशन में। तो ये आप इसकी प्रॉपर्टीज थी। और ये देखा जाए कि हमारी बॉडी में इसके और क्या फंक्शंस हो सकते हैं। ये हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम को बनाए रखती है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, जो कि इम्यून सिस्टम का मतलब है हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उनको ये बरकरार रखती है, हमें हमारे बैक्टीरिया से हमारी क्या करती है, ये सुरक्षा करती है। अगर हम देन इसकी बात देखें
कि और इसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो इसकी फंक्शन की बात देखें, ये क्या करती है, वाउंड हीलिंग में हेल्प करती है। वाउंड हीलिंग का मतलब क्या है, आपको कभी भी चोट लग जाती है, मान लो ये आपको चोट लगी, आपका हैंड कट गया, हैंड कटने पे, चोट लगने पे क्या होता है कि आपका जो हैंड है उसमें क्या होता है, ब्लड निकलना शुरू कर देता है, उसको जख्म को जल्दी ठीक हो जाता है। इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको टैबलेट्स भी देते हैं, उस टैबलेट्स के अंदर कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B5 आपने लिखा भी देखा होगा उस टैबलेट पे, पेंटाथोनिक एसिड लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और एक विटामिन सी भी, ऐसी विटामिन जो कि आपकी वाउंड हीलिंग में काम करती है, इट मीन्स घाव भरने में वो आपकी मदद करती है। ये इसकी B5 की प्रॉपर्टीज थी। अब सोर्स की बात कर लेते हैं, मैंने सोर्स को यहाँ पे लिख दिया ताकि आप इनको नोट डाउन कर सको, और मैंने कोई भी मैं ओरली चीज़ जो बोलती हूँ उसको पेन कॉपी लेके आप लिखते रहा करें, ठीक है, उसको इससे आपकी हेल्प आसानी से आपको हेल्प मिल जाएगी। देन अगर हम इसकी बात करें सोर्स की, तो ये ऑल ग्रेन्स से मिलती है, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, चना होता है, राइस होते हैं, ठीक है, मक्का होती है, या फिर आपकी गेहूँ होता है, ये सभी क्या है, ये सभी ग्रेन्स के अंदर आते हैं। ये सभी ग्रेन्स से हमें क्या मिलती है, विटामिन B5 मिलती है। और आपके सीरियल, सीरियल मान होता है अनाज, अनाज जब आप कोई भी खाते हो तो उससे भी हमें B5 मिलती है। अनाज का मतलब आप रोटियाँ खाते हो, रोटियों में क्या होता है, अनाज ही तो होता है वो, और लेग्यूम मीन्स होता है आपकी फलीदार, कोई भी फलीदार, कोई भी आपकी वेजिटेबल हो, सब्जी हो, और आपकी जो पल्स होती हैं उनके अंदर भी क्या होता है, पल्स का मतलब है दालें, उनके अंदर भी क्या होता है, विटामिन B5 प्रेजेंट रहता है। राइस की बात करें, राइस चावल के अंदर मिल जाएगा, चावल खाने से हमें विटामिन B5 मिलता है, और एग खाने से, जो जो भी अंडे खाते हैं, जब जब कभी आप अंडे खाओगे तो क्या सोचोगे, हम क्या ले रहे हैं, विटामिन B5 ले रहे हैं। और नट, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सभी ड्राई फ्रूट्स के अंदर विटामिन B5 मिलता है। मीट जो खाता है, मीट को, मीट खाने से क्या मिलता है, विटामिन B5। और मशरूम, मशरूम खाया आपने, छोटे बच्चे तो उनको सांप की छतरियाँ बोलते थे, है ना, कभी आप खेतों में जाते हो तो वो लगे हुए रहते हैं ना मशरूम, तो उनको कहते हैं भाई सांप की छतरियाँ नहीं, लेकिन वो क्या है, वो मशरूम बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो ये इसके सोर्स थे। अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात देखें, तो हम इसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिसीज़ हो जाती हैं, एक तो आपको वीकनेस फील होती है, और ये ब्लड फॉर्मेशन में भी ये काम करती है, किसमें काम करती है, ब्लड फॉर्मेशन में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से क्या होता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है, वीक ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। और क्या हो जाता है, आपको डिजीनेस फील होती है, इट मीन्स आपको चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, समझ गए ना, और इस आपको चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे, और इस कंडीशन में आपके विटामिन B5 ना होने की वजह से आपकी बॉडी में आपके जो बाल होते हैं ना, बाल झड़ना स्टार्ट कर देते हैं, बालों का कलर कैसा हो जाएगा, अपने आप सफ़ेद हो जाता है, या फिर आपके बालों का कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। आप समझ लो ना कि अगर आप विटामिन B5 नहीं ले रहे तो आपके बालों का कलर सफ़ेद हो जाता है, ठीक है, 20 साल में आप कैसे बुढ़े दिखाई देने लगते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन B5 की डेफिशिएंसी हो गई है, समझ गए ना। अब कभी नहीं भूलोगे ना, जब जब कभी आपके बाल सफ़ेद होंगे तो आप क्या सोचोगे, आपकी बॉडी में किसकी कमी है, विटामिन B5 की कमी हो गई है, समझ गए ना। और अगर इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें, तो ज़्यादा लेने से ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है, देन अदर कंपैरिजन टू द अदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये इसके क्या थे, ये पूरा हम इस पार्ट में हमने क्या कवर किया, विटामिन B5 को। अब देखो मैं कुछ ट्रिक बता देती हूँ कि इसका आपको केमिकल नेम कैसे याद करना है। ये पेंटाथोनिक है, B5 का पेंटाथोनिक नाम करने की सबसे अच्छी ट्रिक बताऊँ, देखो B5 है। अब ये 5 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं, 5 को लिख लो इंग्लिश में, 5 लिख लिया। अब इस 5 का जो पी है और पेंटाथोनिक का पी बिल्कुल सेम है ना, तो ये बिल्कुल सेम है, इसीलिए अब आपको याद हो गया 5 और पेंटाथोनिक, 5 का भी पी है और पेंटाथोनिक का भी पहला वर्ड क्या है, पी है। तो ये आपकी याद करने की ट्रिक है, कि बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इससे आप भूलोगे भी नहीं। तो ये थे आपके विटामिन B5 के पेंटाथोनिक एसिड के बारे में, और आपको सारा ये कवर हो गया है। और अगर और हम नेक्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे, विटामिन B6 को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सारा वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर ले, अपने ज़्यादा से दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, लाइक तो बनता है। एंड बाय बाय एंड सी अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।